नमस्कार सचखंड पंजाबी न्यूज़ बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। नज़र पाउने देश दुनिया दीआं वड्डीआं खबरां ते। पाकिस्तान दे साबका पीएम शाहिद खाकान असानी ने दित्ती तख्ता पलट दी चेतावनी, कहा देश दे विच अजिहे हालात कदे नहीं सन। उन्होंने कहा कि देश विच जिस तरीके नाल सियासत अते आर्थिक हालात बने हुए हैं उस विच सेना कर सकती है तख्ता पलट। सुडान ग्रह युद्ध विच हुण तक 413 लोकां दी मौत, 4000 भारतीय अजे भी फसे। हुण तक अमेरिका ब्रिटेन समेत 9 देशां ने अपने डिप्लोमेट्स नूं कर लिया रेस्क्यू। पहलवान विनेश फोगाट समेत 8 पहलवान पुजे सुप्रीम कोर्ट। यूपी तो सांसद ब्रिजभूषण ते एफआईआर दी कीती अपील। विवाद दे विच रेसलिंग फेडरेशन दे चोण ते लगी रोक। पहलवानां ने हरियाणा दी खाप पंचायतां तो मंगया समर्थन। कल तो जंतर मंतर ते दे रहे ने पहलवान धरना। पटना हाईकोर्ट तो मोदी सरने मामले विच राहुल गांधी नूं वड्डी राहत। हाईकोर्ट ने MP MLA कोर्ट विच चल रही न्यायिक प्रक्रिया ते लाई रोक। निचली कोर्ट विच पेश होण नाल मिली छोट, 15 मई तक कोर्ट ने लगाई रोक। जम्मू कश्मीर दे पुंछ विच अतवादी हमले विच शामिल अतवादियों की पैड नप्पण लई चलाए जा रहे ऑपरेशन तहत 40 तों वध लोकां नूं पुछ गिछ लई लिया गया हिरासत विच। अधिकारियों ने गुआंढी इलाके विच घेराबंदी करके तलाशी मुहिम नूं दित्ती तीजी। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले च वड्डी अपडेट। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की 11 जुलाई तक वधाई अंतरिम जमानत। पीड़ित परिवार वालों पेश हुए एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सिखरली अदालत नूं कीती अपील कि इस मामले नूं रोजाना सुनवाई लई हेठली अदालत नूं दित्ते जाण निर्देश। गैंगस्टर अंसारी दे मामले च हाई कोर्ट च जाएगी पंजाब सरकार। मुख्यमंत्री मान ने कहा है इस खर्चे दा भुगतान पंजाब सरकार नहीं करेगी अते इस दे लई अदालत जावेगी। उन्होंने कहा है कि जिन्हां मंत्रियों ने अंसारी नूं जेल च रखण लई साइन कीते हन उन्हां कोल वसूली जाएगी रकम। CM पंजाब भगवंत मान ने चंडीगढ़ स्थित म्यूनसिपल भवन विच PWD अते टेक्निकल एजुकेशन विभाग दे वख-वख अहुदेयां ते 408 कर्मचारियों नूं वंडे नियुक्ति पत्र। इन्हां विचों SDO कलर्क अते जूनियर ट्रांसफॉर्मेशन अते कर्मचारी हन शामिल। हुण तक 280,883 सूबे विच वितरित कीतियां जा चुकियां हन नौकरियां। रिश्वत मंगण दे दोष घिरे साबका थाना सिटी पुलिस वल्लों गिरफ्तार कीते गए हलका विधायक जगदीप कंबोज गोल्डी दे पिता सुरेंद्र कंबोज अते 3 होर दोषियों विरुद्ध मामला दर्ज कीते जाण तों बाद अदालत वल्लों 2 दिन दा पुलिस रिमांड कीता गया हासिल। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई हुण गुजरात ATS दी कस्टडी च रहेगा। दिल्ली दी पटियाला हाउस कोर्ट ने गुजरात नूं लॉरेंस बिश्नोई दी ट्रांजिट कस्टडी दित्ती। लॉरेंस नूं गुजरात दी कस्टडी विच भेजण दा मामला जुड़िया क्रॉस बॉर्डर तस्करी नाल। फिलहाल इस बुलेटिन चैनल ही ज्यादा खबर वेखने लिए देखते रहो सचखंड न्यूज़।